अवंतीबाई कॉलेज आज मिशन शक्ति के तहत मास्क बनाना बच्चियों को सिखा रहा है, क्योंकि बहुत बच्चियां ऐसी हैं जो मास्क अफोर्ड नहीं कर सकती, तो घर में पुराने कपड़ों से वो मास्क बना सकती हैं, अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी। तो आज दिनांक 24/11 को हम मिशन शक्ति के तहत मास्क बनाना सिखा रहे हैं। तो मास्क बनाने का जो तरीका है वो डॉक्टर रंजू राठौर, जो कि सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने बच्चियों को मास्क बनाना सिखाया। और हम प्रतिदिन कोई ना कोई नया मिशन शक्ति के तहत प्रोग्राम लाते हैं, तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया। तो इस वाले कार्यक्रम में हमारी जो मतलब मेन जो इसको वो कर रही हैं वो डॉक्टर रंजू राठौर मैम कर रही हैं, उनको असिस्ट डॉक्टर नेहा मैम कर रही हैं जो कि इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। तो हम लोग मिलके करीबन ये टारगेट है कि 30 एट अ टाइम क्लास में बच्चों को हम मास्क बनाना सिखा देंगे। नेक्स्ट फिर कोई बच्ची जो सीख जाएगी वो नेक्स्ट 30। तो आज का टारगेट है कि हम अराउंड 100 बच्चों को मास्क बनाना सिखा दें। जो राठौर है, मैं अवंतीबाई कॉलेज में समाजशास्त्र विषय की प्राध्यापिका हूँ। मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत हम लोग नवरात्रे से हमारे कॉलेज में रोज ही कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा चल रहा है जो छात्राओं के सशक्तिकरण के लिए चल रहा है। और अब क्योंकि हमारे कॉलेज शुरू हो गए हैं, कल से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, बच्चे कॉलेज में आने लगे हैं। इससे पहले जितने भी मिशन शक्ति के प्रोग्राम हो रहे थे वो ऑनलाइन हो रहे थे। मास्क बनाने का हमारे संयोजिका मैडम डॉक्टर अनुभूति ने इसलिए सोचा क्योंकि कोरोना का इस समय चल रहा है और छात्राएँ मास्क लगाकर जो आती हैं वो ये जो ब्लू वाले मास्क लगाती हैं, वन टाइम मास्क होते हैं, इन्हें अगर आप एक बार मुँह से हटा देते हैं तो फिर इन्हें दोबारा नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन छात्राओं को शायद सबको जानकारी होगी, कुछ को जानकारी नहीं भी होगी, तो इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि हमारी सारी छात्राएं, ज़्यादातर छात्राएं गांव से आती हैं और थोड़ी कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था वाले समाज से आती हैं, तो मास्क खरीदना इतना आसान नहीं है, मास्क इतने सस्ते भी नहीं हैं। तो हम बस ये चाहते थे, हमने सोचा कि हम क्यों ना छात्राओं को प्रैक्टिकली मास्क बनाना सिखा दें, जिससे वो अपने घरों में कपड़ों से मास्क बनाएं और उन्हें धोएं और उनका प्रयोग करें। इसके द्वारा एक तो सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को नुकसान कम होगा, क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क हैं, ये जनरली लास्टली तो हमारे पर्यावरण को ही नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी जल्दी मिट्टी में नहीं गलेंगी। जब हम कपड़े का मास्क बनाते हैं तो उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो हमारे आर्थिक रूप से भी हमें मजबूत बनाएंगे, लड़कियां सीखेंगी तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम कोरोना से बचाव कर पाएंगे, क्योंकि मास्क ही एक वो तरीका है आज के समय में जो हमें कोरोना के संक्रमण से बचा सकता है, तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है।